आज चांस मिलता है तो यही क्वेश्चन ही पूछ लेते सर। काफ़ी देखा है कि जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है बहुत सोशल मीडिया में भी हम लोग स्पेशल हम लोग में ट्रोल मिलता है सर। लाइट को लेके पब्लिक बहुत बोलता है कि लाइट अच्छा नहीं है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट पावर डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है, तो इसको के आप पब्लिक को क्या क्लियरिफाई देना चाहेगा सर? लाइट नहीं आने का वजह तो बहुत सारा रीज़न है। जैसे सबसे सिंपल बात है कि जो हमारे यहाँ में इतना नेटवर्क लंबा नेटवर्क है, जैसे आज जो बोगदो फीडर जो 11 KV लाइन है, इसमें 24 ट्रांसफार्मर मतलब सब स्टेशन लगाया हुआ है। तो इसमें अगर एक ट्रांसफार्मर में फिर कम से कम 100 से 200 या कोई कोई में 300 वो भी कंज्यूमर रहता है, तो एक एक जगह में जब हम लोग काम करने जाएगा तो ये सारा 24 सब स्टेशन भी शट डाउन करना पड़ता है। तो एक ना एक जगह से कहीं ठीक हो जाता है तो कहीं को दूसरा जगह में लाइन का फॉल्ट आ जाता है। अगर यहाँ ठीक रहता है तो फिर दूसरा फीडर में भी प्रॉब्लम इश्यू आ जाता है। तो ये जो हम लोग का आलो का जो AD का अंदर में पावर हाउस से जब लाइन ठीक रहता है उस बीच में फिर कहीं 132 KV ट्रांसमिशन लाइन उसी में भी दिक्कत आ जाता है, प्रॉब्लम लाइन फॉल्ट का इशू रहता है। तो ऐसे करके पूरा सब मिला के लाइन ट्रिपिंग का भी ज़्यादा इशू रहता है और हमारा जो सिस्टम जो है इतना काफ़ी पुराना हो गया कि उसको नया इंस्टॉलेशन और नया लाइन बनाने का ज़रूरी है। तो मैं यही गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट थी और हमारे यहाँ का जो IRFs मिनिस्टर MLA से भी, तो इसको काफ़ी जल्दी रिनोवेशन करना बहुत ज़रूरी है। जितना जल्दी इसको हम लोग बना सकेगा इतना अच्छा रहेगा। और एक चीज़ है कि मैं आज आपका माध्यम से मैं ये मौका लेना चाहेगा कि आप कंज्यूमर्स भी जितने आलो का जितना कंज्यूमर्स है उन सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिएगा कि हमारे इसमें मैंने उस दिन व्हाट्सएप में भी दिया था, हमारा यहाँ में कैपेसिटी जो है 5 MVA का 2 5 MVA है, उसका मैक्सिमम आउटपुट जो है हम लोग जो है 8 MW आउटपुट दे सकते हैं। तो अभी आलोक का जो कनेक्टेड लोड मैंने देखा है कि इस मिनिमम 11 11 MW से ऊपर जा रहा है। तो आप देखिएगा कि हम लोग का जो 5 MVA जो है 8 MW दे सकता है आउटपुट मैक्सिमम जो है, तो कनेक्टेड लोड तो मोर देन आपका 11 11 MW से ऊपर जा रहा है। तो इसको मैं अपग्रेड के लिए भी हम लोग का IRF से हम लोग वो प्रपोजल भेजा है, तो काफ़ी उसका कब होगा नहीं होगा वो हम लोग नहीं बोल सकता है। गवर्नमेंट जब जितना जल्दी इनिशिएट होगा इतना जल्दी बैकअप होगा, तो उस बीच में जब तक इसको अपग्रेड नहीं करता है तो मैं सभी आलो का जितना भी कंज्यूमर्स है उन सभी से रिक्वेस्ट है आप जो पीक आवर जो हमारा पीक आवर है उसमें ये 6 to 9 9 PM तक हमारा ये पीक आवर रहता है, उस समय आप AC वगैरह जो है जितना भी इक्विपमेंट्स हैवी लोड जो लगता है तो उनसे काफ़ी आप यूज़ ना करें तो बेटर रहेगा, तो हमारे सेफ्टी के लिए जब तक अपग्रेड नहीं होता है 5 MVA को। तो मैं यही फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना भी आलोक का कंज्यूमर से आप पीक आवर में काफ़ी संभाल के रखें।